हेलो एवरीवन, तो मैं आज आपको इस वीडियो में मेरे कमांडो टाइटल का मैच नंबर 23, 24 एंड 25 दिखाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस सीरीज का ऑलरेडी 5 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस सीरीज की बाकी वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। मेरे साथ एक और बंदा उतरता है, उसको मैं फिनिश करता हूँ। उसके बाद सामने से एक बॉट आता है। इस बंदे की पेटी से केयरफुली बैरल उठा के मैं बॉट को मारने जाता हूँ। बॉट को फिनिश करके मैं घर में वापस आता हूँ, थोड़ा सा लूटता हूँ और नेक्स्ट जोन का वेट करने लगता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट जोन का वेट कर ही रहा था तभी जिस बंदे को मैं सबसे पहले मारा था वो उससे रिवेंज लेने के लिए आता है। मुझसे DBS नहीं चल रही थी तो सोचा कि फीस्ट ही क्यों ना कर दूं। इसको फिनिश करने के बाद मैं सर्कल में आता हूं। सर्कल में मुझे ये घर दिखता है, इस बंदे को मार दिया था। अब चारों तरफ का क्लियर एंगल मुझे मिलने वाला था इस घर से, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं क्योंकि सर्कल वहां से भी शिफ्ट हो गया था। मैं यहाँ पर आके होल्ड करने लगता हूँ क्योंकि मेरे चारों तरफ बहुत सारे बंदे थे। इसको फिनिश करने के बाद थोड़ी देर और मैं होल्ड करता हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक मैं यहाँ पर भी नहीं रुक सका क्योंकि यहाँ से भी सर्कल शिफ्ट हो गया था। मुझे गाड़ी निकाल के जोन में जाना था, लेकिन मेरे सामने बंदा था, उसको बिना मारे मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता था। इसको मार के मैं थोड़ा सा लूटता हूँ और गाड़ी लेके डायरेक्ट साइंस सेंटर में आ जाता हूँ। इस घर में थोड़ी देर होल्ड कर ही रहा था तभी मुझे एक बंदे का फुट आता है। इसको फिनिश करने के बाद मैं डायरेक्ट साइंस सेंटर के मेन बिल्डिंग में चला जाता हूँ। मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि मुझे कुछ बंदे स्पॉट हो जाए और बंदों पे क्लियर एंगल मिल जाए। मैं थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता हूँ तभी मुझे ये बंदा दिखता है। रिलोड करके फिर से स्प्रे देते हैं। बॉट जैसा स्प्रे देने के बाद मैं और बंदे स्पॉट करना शुरू कर देता हूँ। मुझे बिल्डिंग के नीचे से एक बंदे का फुट आता है तो मैं उसको जंप करके ले लेता हूँ। इसको फिनिश करते ही दूसरा बंदा मेरे ऊपर फायर करता है। ये था आज का पहला चिकन और ये मैच भी रजिस्टर हो जाता है। अब आते हैं सेकंड मैच पर। यहाँ पर मैं एक बंदा और दो बॉट मार के इस जगह पे आता हूँ और इस मैच में एक हैकर होता है जो कि आप किलफीड में देख ही सकते हो। मैं अभी उस हैकर को मारने वाला होता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस घर में आके थोड़ा सा सेफ हो जाता हूँ। मैं ऊपर आता हूँ तभी मुझे एक हैकर मिलता है। पहले आप ये क्लिप देखो, उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी तो आपको ये एक नॉर्मल सा प्लेयर लग रहा होगा, लेकिन इस बंदे ने पूरी लॉबी को ऐसे ही टैप टैप मार के खत्म किया है। यहाँ पर मुझे रिस्क लेके फाइट लेना ही था। अगर मैं इसे अभी फाइट नहीं लेता तो मुझे लास्ट में लेना ही पड़ता, और अगर लास्ट में मरता तो अभी मरने से ज्यादा दुख होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं उसको मार दिया था। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि वो बंदा लेजिट है और मैं फालतू का उसको हैकर बोल रहा हूँ, तो आप ये देखो वो वाला बंदा फिर से रिकॉल हो गया था। अब आप बस किलफीड देखना, वो बंदा मेरे जस्ट सामने है। SLR से ये एक को मारा, अब ये दूसरे को भी मार दिया। SLR से दो बंदा कोई भी मार देता है, तो आप चलो ये देखो। हमारे प्रो प्लेयर तो भाई SLR को M4 की तरह चला रहे हैं। हमें उन लोगों को रिस्पेक्ट करना होगा। अब तो क्राफ्टन ने भी हैक को लीगल कर दिया है। बहुत सारी टीम ऑफिशियल टूर्नामेंट में हैक कर रही होती है जिसके खिलाफ एकदम पक्का एविडेंस होता है। एविडेंस तो छोड़ो, जब प्लेयर खेलने वाले खुद बोल रहे होते कि हाँ हम हैक करके खेल रहे हैं, हम हैक करके क्वालिफाई हुए, हम हैक करके सारा टूर्नामेंट खेले हैं, जब प्लेयर ये कन्फेस करते हैं तब हमारे क्राफ्टन उन सभी को ग्रीन चिट दे देता है और तो और आगे टूर्नामेंट खेलने का भी परमिशन दे देता है। अब हम जैसे लेजिट प्लेयर को तो जैसे हैकरों का तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि BGMI के नजरों में अब कोई हैकर नहीं है, सब के सब लेजिट है, चाहे बंदा हैक कर रहा हो या ना कर रहा हो। कमिंग बैक टू गेम प्ले, अब बस चार बंदे लाइव थे और एक तो मेरे सामने ही था। इसको फिनिश करने के बाद मैं इस जगह पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ क्योंकि ये जगह सर्कल में था। तभी सर्कल के बाहर से बंदा आता हुआ दिख जाता है, उसको फिनिश करता हूँ। अब पीछे से सर्कल आ रहा था, मुझे जोन में जाना था और सामने पत्थर पे बंदा था, तो मैं रिस्क लेके ओपन से जाता हूँ। अब आप मैच का इंटेंसिटी एंजॉय करो।
एक परफेक्ट ग्रेनेड और ये मैच भी चिकन हो गया और रजिस्टर भी हो गया है। अब आते हैं आज के लास्ट गेम प्ले पर। मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो आगे का 2 किल रिकॉर्ड नहीं हुआ और मुझे याद भी नहीं है कि वो 2 किल बॉट का था कि रियल का था। और इस कमांडो टाइटल का नेक्स्ट पार्ट अब 1 मंथ के बाद आएगा क्योंकि न्यू सीजन आ गया है और न्यू सीजन में मैं फिर से कॉन्करर पुश कर रहा हूँ, मैं टीपीपी स्क्वाड में पुश कर रहा हूँ। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। अब वापस आते हैं इस मैच के ऊपर। मुझे एक बॉट का साउंड आता है, उसको मैं सबसे पहले जाके मारता हूँ। इसको मारने के बाद मैं इस जगह पे आता हूँ, यहाँ पर मुझे जोन के बाहर से आता हुआ एक बंदा दिख जाता है, सबसे पहले उसको फिनिश करता हूँ। इसको फिनिश करने के बाद मैं नेक्स्ट सर्कल के लिए निकलता हूँ। मैं इस जगह जोन में रुकता हूँ तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा चोक करता हूँ लेकिन जैसे तैसे करके उस बंदे को मार देता हूँ। अब 1v1 की सिचुएशन थी तो मैं सर्कल में गाड़ी घुमाने लगता हूँ तभी मुझे यहाँ पे बंदा दिखता है। ये हमारा मैच नंबर 25 था और ये भी रजिस्टर हो जाता है। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में जो मैं कॉन्करर गेम प्ले एंड कॉम्पिटेटिव मॉन्टाजेस लाऊं वो आप मिस ना कर पाओ। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।